पुनीन सेल्वन वन के एंड में हम देखते हैं कि अरुण मौली का जहाज डूब जाता है। सब मानते हैं कि वो और वंदी तेवन नहीं गए। दूसरी ओर चोल साम्राज्य के प्रति षड्यंत्र गहरा ही होता जा रहा है। जब सब खत्म हो जाएगा और कहीं पे कुछ भी नहीं होगा, तब भी होंगे आदित्य करिकालन और नंदिनी, एक समय के प्रेमी लेकिन अब बदले में झुलसे हुए। इसी बदले में साम्राज्य धूल हो जाए, उसकी भी उन्हें कोई परवाह नहीं। पोनीन सेल्वन 2 की कहानी पहली फिल्म के इवेंट्स के बाद से ही खुलती है। भाई को मृत मानकर आदित्य तिलमिलाया हुआ है, किसी भी हद तक जाकर दो चीजें सुनिश्चित करना चाहता है। पहला कि काश भाई जिंदा हो, और दूसरा उस पर हमला करने वालों को सजा दे सके। समय और इलाज लेकर अरुण मौली फिर लौटता है। दूसरी ओर पांड्या वंश के लोग और नंदिनी एक ही ख्वाब पालकर जी रहे हैं, आदित्य करिकालन को अपने हाथों से मार सकें। इन सभी लोगों की महत्वाकांक्षाएं कहां जाकर रुकती हैं, यह इस फिल्म की मोटा मोटी कहानी है। बहुत लोग डूब कर प्रेम करना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस प्रेम की एक समझ अपने साथ लेकर उसे पूरी निश्चलता के साथ पर्दे पर उतार पाते हैं। मणिरत्नम ऐसे चुनिंदा लोगों में से ही हैं। उनकी फिल्में देखकर लगता है कि वो सिर्फ प्रेम के सुहाने पल दिखाने के पक्षधर नहीं। PS2 में प्रेम की दो स्टेज दिखती हैं। पहला जो नटखट है, हल्का हल्का पनपने लगा है, वंदी तेवन और कुंदवई के बीच, हालांकि बस चुनिंदा मोमेंट्स ही रहे। प्रेम असफल होने पर कैसी कड़वाहट छोड़ जाता है, दूसरा रूप हमें वो देखने को मिलता है आदित्य करिकालन और नंदिनी के बीच। आदित्य को हम अधिकांश समय युद्ध भूमि पर देखते हैं, गुस्से में सवार, अपनी तलवार लाल रंगने का पहला मौका ढूंढने वाला शख्स, अपने आप में खुश नहीं रहने वाला, विनाशकारी प्रवृत्ति वाला, जो कहता है कि खुद से घृणा करने वाले को शांति नहीं मिलती। दो प्रेमियों के बीच रहे इंटीमेट मोमेंट्स को मणिरत्नम पूरी ईमानदारी से उतारते हैं। आदित्य और नंदिनी के बीच का गुस्सा देखकर समझ में आ जाता है कि एक समय इन दोनों ने डूब कर प्रेम किया था। गुस्सा ईर्ष्या जैसे भाव तो बाद में आए। क्लाइमेक्स से पहले दोनों किरदारों के बीच एक सीन है, उस सीन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस हल्का सा बताऊंगा। मेरे लिए वो सीन पूरी फिल्म का सबसे असरदार और सबसे ईमानदार सीन था। आदित्य जैसा किसी और के सामने नहीं रह सकता, सिर्फ एक इंसान के सामने ही बिना झिझके वल्नरेबल हो सकता है, अपनी गलती को अपनाने की हिम्मत रख सकता है। सिर्फ नंदिनी के सामने उसका कवच गिरता है, लिटरली भी और प्रतीकात्मक रूप से भी। ये सीन आपको एहसास करवाता है कि आदित्य और नंदिनी का यूनिवर्स है, उस कक्ष के बाहर की दुनिया बस चल रही है। अगर PS2 सिर्फ इन दो लोगों की लव स्टोरी होती तो शायद ज़्यादा बेहतर फिल्म बनकर निकलती। नंदिनी और आदित्य बने ऐश्वर्या और विक्रम शो के स्टार हैं। इन दोनों लोगों की दुनिया से बाहर निकलते ही फिल्म गड़बड़ा जाती है। पहली बात तो पोनीन सेल्वन की कहानी इतनी बड़ी है कि इसे एक सीरीज होना चाहिए था, दो फिल्म नहीं। यहाँ बहुत सारी जानकारी आपकी ओर भेजी जाती है, पहले पार्ट से भी बहुत लोगों को ये शिकायत रही, दूसरे पार्ट में भी ऐसा बदलता नहीं दिखता, काफ़ी कुछ घट रहा है। आप उन्हें जोड़कर सेंस बना भी लेते हैं, लेकिन तब अचानक से कैरेक्टर्स के मोटिव बदल जाते हैं। जैसे कोई शख्स पिछले दो पार्ट से एक भावना लेकर चल रहा है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, मगर जैसे ही फिल्म खत्म होने को आती है वो बदल जाता है एकदम अकस्मात। कुल जमा बात ये है कि ग्रैंड फिल्मों को बड़ा फॉरगेटेबल क्लाइमेक्स दिया गया है। ये कुछ वैसा ही था कि स्टोरी को इतना तो फैला लिया, अब बस इसे किसी भी तरह समेटकर छुट्टी पाओ। ये बात निराश करती है। बड़े लेवल पर माउंट की गई फिल्म सीरीज को वैसा फेयरवेल नहीं मिलता जो ये डिजर्व करती थी। फर्स्ट हाफ की तुलना में सेकंड हाफ में चीज़ें फिल्म के पक्ष में काम नहीं करती। मुझे यहाँ एक बात ने और परेशान किया, वो था गैर जरूरी रूप से कैमरा का घूमना। लगातार इतने सीन लाइन्स आए जहाँ कोई कैरेक्टर बोल रहा है और कैमरा उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है। इसे रिपीट करने से आपके कैरेक्टर की जो बात होती है उसका वजन कम होता है। PS2 से सिर्फ मुझे शिकायतें ही नहीं गई, ऐश्वर्या और विक्रम वाले मोमेंट्स के अलावा कुछ और फ्रंट पर फिल्म सही काम करती है, जैसे किरदारों का ट्रांजिशन होना। लेकिन इस बदलाव में वो अपने मूल्य नहीं खोते। अरुण मौली खुद को एक मजबूत राजा साबित करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो लोगों पर भरोसा करना नहीं छोड़ते, एक अच्छा इंसान बनना नहीं छोड़ते, एक अच्छा भाई, दोस्त और बेटा होना नहीं छोड़ते। PS2 के पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन उतना समय नहीं, उस वजह से ये कुछ अहम किरदार और उनकी बैक स्टोरी के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाती। फिल्म खत्म होने पर याद रखने लायक मोमेंट्स ही बच जाते हैं, पूरी फिल्म नहीं। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन, शुक्रिया।